लोकतंत्र के महापर्व का बहिष्कार। विकास नहीं तो वोट नहीं। वार्ड क्रमांक 7 के मतदाता ने करो मतदान ना कर बिकोलन। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम इंदरगढ़ की, जहाँ पे संपूर्ण मध्य प्रदेश में इस समय चुनावी बहार चल रही है। इस चुनावी मौसम में प्रत्येक प्रत्याशी अपने अपने तरीका से मतदाताओं का रिझावे की भरपूर कोशिशन में लगे हैं। यही बीच खबर दतिया जिला के नगर परिषद इंदरगढ़ के वार्ड क्रमांक 7 से है, जहां वार्ड वासियों ने आगामी 13 जुलाई का संपन्न होबे वाले लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी न करत भय मतदान को बहिष्कार करबे को निर्णय लो है। ट्रिपल बुंदेलखंड के संवाददाता आशीष मिश्रा द्वारा जब मतदाताओं से चुनाव बहिष्कार को कारण जानबो चाहो तो उन्होंने बताओ कि बाढ़ की प्रमुख समस्या जल भराव की है, जी के कारण सभी बाढ़ वासियों का काफी दिक्कत को सामना करने पड़ रहा है। जब तक इस समस्या को समाधान नहीं हो जात वे अपने मत को प्रयोग न करने वाले हैं। इस समस्या के संबंध में जब मुख्य नगर परिषद अधिकारी इंदरगढ़ महेंद्र सिंह यादव से बात करी गई तो उन्हें बताओ कि वार्ड क्रमांक 7 में नाले को निर्माण प्रगति पर है और लगभग 50% काम पूर्ण भी हो चुका है। जैसे ही नाले निर्माण को काम पूरा हुई है जल भराव की समस्या से बाढ़ वासियों का निजात मिल जाए। और रही बात बाढ़ वासियों द्वारा मतदान के बहिष्कार करबे की, तो मैंने स्वयं बाढ़ में जाके उन्हें समझाइश दी है कि लोकतंत्र में आम आदमी के पास सबसे बड़ी ताकत होती है उसका मत, इसलिए मतदान अवश्य करें। नाम क्या भी होगा? योगेश कुमार गुप्ता, निवासी वार्ड क्रमांक 7 इंदरगढ़। जो अभी आप आगामी नगर निकाय चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं समस्त वार्ड क्रमांक 7 की, उसका कारण क्या है? कारण ये है साहब, कोई सुनवाई नहीं है नगर पालिका में। CMO साहब के पास गए, कोक्सिंग बैंक के पास गए, उन्हें भी कोई सुनवाई नहीं की। नाले की कोई बस कह देते हैं बन जाएगा, वो बन नहीं रहा है बिल्कुल भी। पार्षद कौन थे आपके पिछली बार? पार्षद तो ये थे रामलाल प्रजापति। उनसे आपने बातचीत की थी क्या पिछले 5-6 सालों पार्षद रहे हैं? वो तो बहुत सिर्री है, वो कुछ जानता ही नहीं है, है? वो कोक्सी में गए तो वो सुनता नहीं, वो कहता है हम खाना खाने आते हैं और वो चक्कर लगा के चला जाता है वो। तो अभी कोक्सी में जो है ना आपके बाढ़ से पार्षदी की दावेदारी कर रहे हैं उसको तो कभी वोट ही नहीं मिलना, किसी को भी नहीं मिलना है जब तक चुनाव को नाला नहीं बनेगा तब तक। नाम मेरा संजय बघेल नाम है, वार्ड क्रमांक 7 गणेश कॉलोनी बावरी सरकार मंदिर के पास रहते हैं। समस्या क्या? समस्या जल भराव की समस्या है पूरी कॉलोनी में, सब लोग नाले की समस्या है, पानी नहीं निकल रहा है यहाँ पे, सब मोहल्लेवासी काफ़ी परेशान है, यहाँ निकलने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आपसी रंजस होती है, झगड़े होते हैं। जो पुराने पार्षद हैं कई बार CM हेल्पलाइन लगा चुके हैं हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। नगर पालिका बार बार जाते हैं लेकिन CMO साहब और भी अधिकारीगण कोई हमारी बातें नहीं सुनता है। आवेदन रखे हैं 2-2 साल पुराने, समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। मतदान का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? मतदान तो करना चाहिए। मतदान इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो पुराने कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी हैं, हमारे यहाँ आए हैं और बार बार वही कैंडिडेट आते हैं हमारे सामने। कौन है आपके यहाँ पर? कोक सिंह पटेल हैं, चरणदास खेलारे जी हैं और एक दो कैंडिडेट और हैं, लेकिन हमें उन्हें अपना प्रत्याशी सही नहीं दिख रहा है। हम चाहते हैं उन किसी को हम अपना मतदान नहीं करना चाहते हैं, जो हमारी समस्याओं का निराकरण करे हम उन्हीं को मतदान करेंगे। वो प्रत्याशी हैं जिनके यहाँ से 15 साल से अध्यक्ष रह चुके हैं। अच्छा, कौन है आपके यहाँ पर? हम कौन है यहाँ से? यहाँ से प्रत्याशी हैं कोक सिंह पटेल। अच्छा, जो 15 साल से उनके यहाँ घर पे अध्यक्ष ही थी, तो आज वो वार्ड में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि यहाँ चुनाव लड़ने क्यों आ रहे हैं अभी लोग, जब यहाँ जो समस्या है सारी समस्या है, 15 साल से अध्यक्ष हैं, आज तक विकास नहीं हुआ है, आज इस बार में चुनाव लड़ने कुछ मुंह से आ रहे हैं। पार्षद बनके विकास कर सकते हैं? नहीं कर सकते, जब अध्यक्ष बनके नहीं किया तो पार्षद बनके कैसे कर सकते हैं? आप लोगों ने उनसे कुछ सवाल जवाब किए? सवाल जवाब किए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो उल्टे मुंह निकल गए, बोले मैं शादियों में खाना खाने आता हूँ, शादियों में खाना खाने से कुछ नहीं होता है, विकास करो, काम करो वार्ड में। तो ये पानी कितने वर्षों से भरा हुआ है? 4-5 साल जी, 15 साल, 10-15 साल हो गई। तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे? नहीं बंदा, कोई बात नहीं, नहीं कोई किसी ने नहीं सुनी। कांग्रेस के विधायक भी हैं? हाँ, कांग्रेस के विधायक हैं, सबको आवेदन दे दिया है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम लोग वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। मंदिर की भी बाउंड्री गिर गई थी अभी। नगर इंदौर में जल भराव की समस्या बहुत गंभीर समस्या आज भाई साहब खड़ी हो गई, इस बारे में क्या कहना रहेगा? नगर में काफ़ी लंबे समय से जल भराव की समस्या चली आ रही है, इस पर हमने बहुत कुछ कार्य किया है, जो कि नालों के द्वारा
ये समस्या का निजात हो सकता है। हमने हर वार्ड के जो रोड के किनारे जो नाले निर्माण किए जा रहे हैं वो इसी संबंध में किए जा रहे हैं कि तहसील नगर में जल भराव की समस्या ना रहे। अभी हाल ही में वार्ड नंबर 7 के कुछ लोगों ने जो मत करना चाहिए वोट डालना चाहिए उसका वो बहिष्कार चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? ना, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको जानकारी है कि लंबे समय समस्या चली आ रही है और वहाँ उनके नाले का निर्माण के लिए निर्माण चल ही रहा है। नाला निर्माण हो जाएगा तो ये समस्या का निराकरण हो जाएगा और ये इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं भी बाढ़ में गया था, मैंने लोगों को संपर्क किया है और उनको समझा दी है कि भाई ऐसा मत करो, कार्य निरंतर चालू है और ये जल्दी से जल्दी बरसात आने से पहले पहले ये समस्या का निराकरण हो जाएगा। तो क्या उधर ये नाला जो बन रहा है उसका टेंडर हो चुका है कि अभी होना है, क्या है वहाँ? नहीं नहीं, टेंडर हो चुका है कि कार 50% हो गया है और रनिंग में है, सिर्फ लेबर दतिया विकास खंड में चुनाव होने से लेबर चली गई है और कल आ जाएगी और परसों से काम शुरू हो जाएगा। खास खबर बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता आशीष मिश्रा की। ऐसे ही खबरें जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पर शिवांगी तिवारी के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल का लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय राम जी की। जय बुंदेलखंड।